सो हेलो एंड वेलकम, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमालयन वॉचर में। यहाँ पर आंटी जी ढूंढ रहे हैं मदरोसल, और ये है मदरोसल। ये बहुत छोटी है, इसे सर्दियों में खासकर चाय में डाल के काढ़े के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इससे बीमारियां नहीं होती है और इम्यूनिटी बढ़ती है। तो अभी ये बहुत छोटी है और ये है मदरोसल। तो अभी हम आए हैं यहाँ पर जंगल में और देख सकते हैं कितना घना जंगल है। और हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं गुच्छी, जिसे जाना जाता है वाइल्ड मशरूम के नाम से भी। और इसकी सब्जी बहुत महंगी है, विदेशों में उसकी बहुत मांग है और दवाई के रूप में भी उपयोग में लाई जाती है। और बड़ी मुश्किल से मिलती है। और यहाँ पर ए आंटी तो से ढूंढना पड़ती है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर ए जो है। और यहाँ पर मिली है गुच्छी, और ये है देखो गुच्छी। ये ढूंढी है आंटी जी ने और ये निकाल ली। छोटी है जी, ये तो काफी छोटी है। कीमत किस तरह किलो है इसकी आजकल? 15,000-10,000 किलो यहीं पर बिकती है। तो बाहर विदेशों में तो 30,000-25,000 रुपए किलो ये जाती है। तो ये है पहली गुच्छी अभी तक, वाइल्ड मशरूम। क्या आंटी जी लोकल में क्या बोलते इसको? डुंगू। ये है डुंगू। आंटी जी इसे चेक कर रहे हैं कहीं इसमें कीड़े तो नहीं है। ये साफ है, फिलहाल तो साफ है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी ये पहला है, इसको सब्जी बना के भी खाया जा सकता है बहुत सारे गुच्छी को इकट्ठा करके। तो अभी हम इसको टेस्ट करने वाले हैं, तो इसीलिए हमारे तनिक भाई सबसे पहले से टेस्ट करेंगे। अंदर नहीं होता कुछ भी, बाहर ही है। और ये टेस्ट कर रहे हैं, कैसा है तनिक भाई? टेस्टलेस है फिलहाल, लेकिन बहुत नरम है, लेकिन बहुत ही मुलायम, जंगली छतरी की तरह नहीं है। या। अच्छा ना। तो अब मैं भी इसे टेस्ट कर लेता हूँ। काफी ज्यादा नरम है और जो जंगली छतरी जो हमें मिलती थी खूब उसी की तरह टेस्ट है इसका। आमतौर पर यह ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, परंतु वर्तमान में कई जगह और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी पाई जा रही है। और ये एक और मिल गया है हमें यहाँ पर, ये गुच्छी। ये देखिए बहुत बड़ी बड़ी गुच्छी अब हमें जाके हाथ लगी है। और सच में बहुत बड़ी है, ये मिली है आंटी जी को और बहुत बड़ी लगी है सच में हाथ। और ये औषधीय गुणों से भरपूर होती है, इससे दिल का दौरे पड़ने की संभावना कम होती है। उसके साथ ही इसमें बहुत सी विटामिन्स होती है, ये दिल की बीमारियों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक आदि का खतरा कम रहता है इसे। तो अभी शाम तक हमें मिली है मात्र इतनी सी गुच्छियाँ, ये देख सकते हैं आप, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं। और इसका बोटैनिकल नेम है मोर्चेला एस्कुलेंटा, और यहाँ पर हम इसे गुच्छी बोलते हैं। और आंटी जी यहाँ पर लोकल में इसे बता रहे हैं डुंगू। और इसके फायदे बहुत हैं, ये शरीर की कमजोरी को दूर करती है इसकी सब्जी, और उसी के साथ ही कैंसर रोगियों के लिए प्रतिरोधक क्षमता बनाने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैंसर से लड़ने में भी कारगर है और इसकी अनेकों दवाइयाँ भी बनती है। और ये ढूंढी हमने इस जंगल में, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर तनिक और आंटी जी इस टाइम विश्राम कर रहे हैं। और
तो कैसी लगी आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक बने रहिए हिमालयन वॉचर के साथ।